लाउड स्पीकर को लेकर योगी ने दिए सख्त आदेश। आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन। तेज आवाज में चल रहे लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की बोलती बंद। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। राजनीति इतनी कि लाउड स्पीकर से ज्यादा शोर लाउड स्पीकर पर बात करने वालों से हो रहा है। लेकिन इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी कर सभी को चौंका दिया है। इतना ही नहीं, योगी के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया तो वहीं कट्टरपंथियों की बोलती बंद हो गई। योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजाए जाएं। साथ ही लाउड स्पीकर की आवाज सिर्फ परिसर के अंदर ही रहनी चाहिए। इसके बाद हरकत में आई प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यूपी के कुल 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं और करीब 17,000 लाउड स्पीकरों की आवाज को मानक अनुसार स्वेच्छा से काम किया गया है। वहीं निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से बातचीत की गई है। एडीजी प्रशांत कुमार की माने तो 31,000 स्थानों पर अलविदा की नमाज होनी है। साथ ही करीब 75,000 ईदगाह और 20,000 मस्जिदों में नमाज पढ़ी जानी है। इसको ध्यान में रखते हुए संवेदनशील जिलों में 45 कंपनी पीएससी, 7 कंपनी सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। इस पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी किया है। इसमें धर्म स्थलों में नियम के अनुसार पालन की साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तर पर करने और पहली अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रैल तक शासन को भेजने को कहा गया है। जिलों की रिपोर्ट मंडलायुक्तों के माध्यम से और कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। शासनादेश में कहा गया है कि धर्मगुरुओं से स्वाद और समन्वय के आधार पर अवैध लाउड स्पीकरों को हटवाया जाए और निर्धारित डेसिबल का पालन कराया जाए। आपको बता दें कि पहले राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर हुए हमले, फिर मध्य प्रदेश के खारगोन में हिंदू नववर्ष पर हुई हिंसा और उसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हुए हमले को ध्यान में रखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि प्रदेश में किसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों और जुलूस निकालने से पहले आवश्यक रूप से अनुमति लेनी होगी और यह ध्यान रहे कि इस दौरान लगाए गए लाउड स्पीकरों से किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए।